हेलो एवरीवन, मैं अभी नर्सरी के टूर पे हूँ। आपको दिखाता हूँ एक और नर्सरी है, ये पॉली हाउस में हूँ मैं, पॉली हाउस में। तो चलिए कुछ प्लांट्स को देखते हैं, कुछ इंडोर के प्लांट्स को देखते हैं, फिर आउटडोर वाले भी देखेंगे। ओके, जो आपको बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में किस तरीका से नर्सरी वाले प्लांट्स की कटिंग ग्रो करते हैं मैं उजागर करने वाला हूँ। ओके, और लास्ट में तो बहुत ज़्यादा ही कुछ खास है, तो आप भगा के देख सकते हो या लास्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हो। सबसे पहला एस्पेरिगस है। एस्पेरिगस को डायरेक्टली कटिंग करके एक पॉट में डाल दिया हुआ है। पहले माइक्रो तैयार होता है, उसके बाद जब रूट्स आते हैं तो फिर बड़े पॉट में दिया जाता है। अब हम देखते हैं क्रिसमस। एक्चुअली क्रिसमस को ये कटिंग करके नहीं लगाया हुआ है, ये कहीं से और से आया है और उसके बाद ये बड़े पॉट दिए। अब हम देखते हैं मोरपंखी। मोरपंखी फ्रेंड्स देख सकते हो कुछ जले भी है और कुछ लगे हुए भी है, तो नॉर्मल कटिंग लगाया हुआ था, कुछ जल जाते हैं। फन का वैसा ही है, चार पांच जो लीव्स होते हैं उससे इसको लगाया है। लीव्स को ऐसे डाला है, जब उसमें रूट्स आएंगे तो फिर बड़े पॉट देंगे और उसके बाद फर्टिलाइज करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा जो होगा प्रोसीजर ना आपको अपडेट करता रहूँगा। नेक्स्ट जब टूर जाऊँगा मैं तो आपको शॉर्ट्स में डाल दूँगा कि वो प्लांट की ग्रोथ अभी क्या है। ओके, अब हम पान को देखते हैं। फ्रेंड्स, पान आपने भी लगाया होगा ये हमें पता है, क्योंकि हर कोई प्लांट है ना, मनी प्लांट को और पाम के दोनों को ग्रो कर लेता है। इसकी कटिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ लास्ट में, किस तरीका से इसके रूट्स भी आते हैं और पहले माइक्रो कैसे तैयार होता है। ओके, बाकी अभी देख सकते हो ये रिजल्ट है जो कि अब बन चुका है, अब इसको बस मॉस्टिक देना है और सेल कर देना है। ओके, हम अब दूसरे प्लांट को लेते हैं, वो है मिलिस्टोमा। फ्रेंड्स, मिलिस्टोमा का टाइम आ गया है अभी फ्लावर के लिए, इसके कारण इस नर्सरी में अभी ये प्लांट को कटिंग करके लगाया हुआ है और ये रेडी हो चुका है। ये माइक्रो बैग होता है एक, जिसमें होल्स होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, वो उसमें तैयार किया जाता है और उसके बाद एक पॉट में दे दिया जाता है और फिर फर्टिलाइज़र देंगे और प्लांट अपना रेडी टू सेल। ओके, अब हम देखते हैं सेवंती। सेवंती भी, यस सेवंती भी कटिंग से ही लगता है और बहुत अच्छा से ग्रो भी कर जाता है। तो ये आपका सेवंती का प्लांट रहा जो कि नॉर्मल कटिंग करके रखा हुआ है। मैंने भी एक डंडी टूटा और डाल दिया तो उसमें रूट्स बन गए। ये देखिए, इसमें एक माइक्रो बैग होता है जो प्लास्टिक का होता है, उसमें रखते हैं और डायरेक्ट उसमें डाल दिया जाता है। जैसे उसको रूट्स आते हैं वो एक बड़े से बैग में डालते हैं। अभी ये खाद देंगे, अभी मैं नेक्स्ट नर्सरी टूर जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि इसी सेवंती इसी जगह पर इसकी हालत क्या है। ओके, मैं आपको दिखाऊँगा तो अपडेट रहेंगे। ओके, जैसा आप देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा किसी किसी में कली भी बना है, लेकिन प्लांट अभी कुछ डलने से कुछ खास ग्रोथ नहीं है, अब होगा। चलिए साइप्रस खरीद लेते हैं। थोड़ा साइप्रस हमें चार पांच लेना है, तो साइप्रस का इनके पास कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, वेल ग्रोन है, देख सकते हैं। मैंने तीन चार निकाला पूरा, पहले तो गोल्डन कलर का पूरा एकदम गोल्डन है जो कि उसको ही खास बनाता है, और प्लस कलेक्शन भी काफ़ी बुशी है और मेंटेन किया हुआ भी है, जिसके कारण आप देख सकते हो। ख़रीदते वक्त आपको ध्यान देना होगा कि नीचे से इसका जला तो चलता है लेकिन ऊपर से फ्रेश होना चाहिए, मतलब देखने में ये पूरा जो है ना, इसके लीव्स आपको फ्रेश फ्रेश दिखना चाहिए, पूरा येलो होना चाहिए, तब आप इस तरीके से ख़रीद सकते हो। तो वो साइप्रस जो होगा आपका ख़राब जल्दी नहीं होगा। ये डायरेक्ट सनलाइट में भी लगा है जिसके कारण आपको और ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, मेरी रिकॉर्डिंग का छाया भी आ रहा होगा, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में ही इसको रखना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पान जो कि कैसे कटिंग करके तैयार हुआ। उससे पहले हम पॉन्सेटिया को देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो टाइम में है उसकी पॉन्सेटिया की कलर चली गई है, और कलर चल जाने के बाद उसके बाद कटिंग करके पूरा कंटिन्यूस उसको कटिंग किया जाता है, मैं नर्सरी में भी इसको कर रहा हूँ। उसके बाद इसको एकाएक जो लीव्स आएंगे वो रेड कलर के आएंगे और उसको बेचा जाता है। सॉन्ग ऑफ इंडिया देख सकते हो, वो भी अच्छे ग्रोथ में है, इनके पास कलेक्शन। चलिए पान को देख ही लेते हैं, अब हम बहुत इंतज़ार हुआ। पान अभी आप देख रहे हो, बस कुछ ही दिन पहले इसकी कटिंग लगाई हुई थी। ओके, और इसको देख सकते हो, ये थोड़ा अभी तैयार भी हो चुका है, हम निकाल के भी देखेंगे इसको, तब तक देख सकते हो ये कितना अच्छा, मतलब तैयार है, लेकिन फिर भी क्या ये सच में तैयार है। अच्छा, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, वीडियो को लाइक करना कभी नहीं बोलेंगे। ये देखिए छोटे से बैग में था और देखे तो तैयार है। ओके, तो इस तरीका से इस प्लांट को तैयार किया जाता है, यू कैन ऑल्सो डू दिस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।